गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बच्चों आपके बीच कुछ सवाल हैं ऐसे, ये वो सवाल हैं ये अलजेब्रा में या सिंप्लीफिकेशन या नंबर सिस्टम में भी बनते हैं। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये सॉल्व करने शायद सभी को आते होंगे, ठीक है। हमें आपको केवल ये सिखाना है कि इस क्वेश्चन को केवल 2 या 3 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो हम आपको इन क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, आप कैसे इनके आंसर लिखेंगे, क्या इसमें समझना होता है, ठीक है। जब आपको आंसर समझ में आ जाएंगे तो आपको हम ये बताएंगे कि क्वेश्चन को बेसिक कैसे करना होता है, मतलब क्वेश्चन को बेसिक समझना कैसे होता है, ये ट्रिक बनी कैसे, ये भी आपको बताया जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक का मतलब क्या होता है थोड़ा आप समझिए। ट्रिक का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई फॉर्मूला याद कर लें, नहीं, हम लोग क्वेश्चन में इतनी प्रैक्टिस करें जब क्वेश्चन हमारे सामने आए तो इस टाइप का सवाल जब आए ना तो उसका आप आंसर डायरेक्ट याद कर लें, डायरेक्ट निकाल लें, ठीक है। तो हम लोग इसको ट्रिक कहते हैं, ये ट्रिक हमारा प्रैक्टिस से आता है, हम लोग जितनी प्रैक्टिस करेंगे जिस सवाल में वो टाइप हमें पूरा क्लियर हो जाता है। तो आप लोग बस केवल कॉन्सेप्ट समझिए क्वेश्चंस के, क्योंकि एसएससी के एग्जाम में अब 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन 1 घंटे में होंगे, तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कम से कम 25 में 15 सवाल तो कम से कम ऐसे हों जो हमने पहले लगा रखे हों, जो हम ये कह सकें कि हाँ ये टाइप ये ऐसा हमने ऐसा करते थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुरंत समझ में आए कि क्वेश्चन इस चैप्टर का है, ये हमने इस टाइप को इसको ऐसे करना था। हम आपको सारे चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, सारे चैप्टर में मतलब ये टाइप आएगा तो इस तरह करना होगा, ठीक है। जैसे ये टाइप है, ऐसा अगर कोई भी सवाल दिया जाए और ये पूछा जाए तो इसका सीधा आंसर होता है 3। आंसर हो गया इसका 3। सेम ऐसी सवाल है, देख लीजिए, अब ये पूछा गया है, आंसर 3 है। सेम ऐसे ही सवाल है, ये पूछा गया है, इसका भी आंसर 3 है। अब ये 3 क्यों है, मन क्वेश्चन आता है सर 3 क्यों है, सर एक सॉल्व करके बता दीजिए। तो आपको समझाने चल रहे, पहले आप लोग क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा। चले आप बताते हैं क्वेश्चन ये किया कैसे, ये समझाते हैं। तो इसको हटा रहे हैं, हमें ये निकालना था, हमने इसमें 2 का गुणा कराया और 2 का भाग दिया। तो आपने देखा तो ये हो जाएगा 1/2, फिर हो जाएगा 2x² +2y² +2z² -2xy (2yz - 2zx) कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z, 2 बार x, 2 बार y और 2 बार z, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं x² +y² -2xy, ये है माइनस का 2xy, फिर इसके बाद प्लस y² +z² माइनस का 2yz। इसके बाद बच्चों ये होगा आपका z² +x² माइनस का 2zx, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। 1/2, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y माइनस z का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा z माइनस x का होल स्क्वायर। शायद ये सबको मालूम होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² +b² -2ab। तो बस वही लिखा हुआ है, ये लिखा था x² y² -2xy, तो क्या बना, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो आपने देखा ये जब ऐसा बन गया तो ये 1/2, अब ये लिखा है x माइनस वाई, तो देखिए यहाँ पे जो x का मान है वो 99 है, y का मान 100 है, x माइनस वाई माइनस का ही आएगा, और जब माइनस एक का स्क्वायर करेंगे, माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। आपने इसको देखा लिखा है y माइनस z, तो y माइनस z ये भी माइनस एक आएगा, और माइनस एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और लिखा है z माइनस x करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये आपका आएगा 2, z माइनस x कितना 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो बच्चों ये हो गया 1/2, ये 1, ये भी 1, इसके बाद 4, तो ये हो गया 6। तो 1/2 × 6, तो बच्चों आंसर कितना आ गया। तो इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, जितने भी क्वेश्चन ये आपको दिया गया, ये आपसे पूछा गया, तो सीधे इसका आंसर क्या हो गया, 3। बस यहाँ पे आप ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, ये जो नंबर दिए होंगे ये क्रमागत दिए होंगे, कौनिक लगातार दिए होंगे, 97, 98, 99, 99, 100, 101, 101, 102, 103, चाहे पॉइंट में दिए हों
या ऐसे कोई पूर्णांक दिए हों, ठीक है, ये सारे नंबर कैसे होंगे, क्रमागत होंगे, ठीक है। अगर क्रमागत ना दिए जाएं तो आप डायरेक्टली इधर याद कर लीजिए कि जब ऐसा ये पूछेगा तो ये जो बन के आएगा वो ये बन के आएगा, और यहाँ पे मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आप ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड टाइप, ठीक है। सेकेंड टाइप, इसी क्वेश्चन को सेकेंड टाइप देखिएगा। आपसे यहाँ पूछेगा कि पी क्यूब, क्यू क्यूब, आर का क्यूब माइनस सी पी क्यू आर का मान क्या है। क्वेश्चन यही है, आपसे ये पूछा गया। ऐसा एक सवाल ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। तो आपका पहला सवाल हो गया टाइप टू का, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। तो आप लोग चाहें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्वेश्चन देख लीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। अब हम आपको ये बताते हैं इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, केवल आंसर कैसे लिखेंगे पहले आपको ये बताते हैं, ठीक है। जब भी आपसे ये पद पूछा जाए आप 20 वाले का 9 से गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है 1002 को 9 से गुणा करा दीजिए, ये क्वेश्चन है 99 को 9 से गुणा करा दीजिए, ये क्वेश्चन है 100 को 9 से गुणा करा दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन आता है सर हम 9 से गुणा क्यों कराते हैं, क्यों ऐसा बनता है ये, ठीक है। तो आपको ये समझाते हैं ये बनता कैसे। क्वेश्चन दिया गया है x बराबर 100, y बराबर 101 और z बराबर 102, ऐसा आपको दिया गया। आपसे पूछा गया है कि बताइए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड का मान क्या है। तो आपने सीधे पहले आंसर लिख दीजिएगा, तो इसका आंसर होगा 101 गुणे 9, आंसर हो गया 909, ये इसका आंसर हो गया। अब ये 909 कैसे बना ये देखिए, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला ये होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फिर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ये हो गया आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड, चलिए ये तो ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पहले देख चुके होंगे, अभी आपने देखा था जस्ट के पहले, तो ये जो बना था ये क्या बना था, 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये बना था। और इसका मान जो हमने निकाला था इसका मान कितना आया था, 3। और ये जो लिखा हुआ है एक्स वाई जेड, एक्स का मान क्या है बच्चों 100, वाई का मान क्या है 101, तो 101 को हम लोग 101 लिखते हैं और जेड का मान है 102, ठीक है। अब ये क्या हुआ, आप इसको लिख सकते हो 101 माइनस 1, 100 को लिख सकते हैं, इस 101 को लिख सकते हैं आप 101, ये 101 ही है, और 102 को लिख सकते हैं 101 प्लस 1। तो जब आप इसको ऐड करोगे ना तो ये आपका 101 है, ये 101 माइनस 1 है, तो माइनस प्लस चला गया, तो ये 101 गुणे कितना हुआ 3, और ये गुणे कितना हुआ 3, तो ये क्या हुआ 101 गुणे कितना हो गया 9। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा गुणे 9 हमने क्यों किया। तो आपने ये दो टाइप सीखे हैं, ये दो टाइप आपके बिना पेन चलाए हो सकते हैं, आप दोनों क्वेश्चन देख लीजिएगा, ऐसा सवाल आपको कभी भी कहीं मिले तो आप लोग सीधे इसका आंसर लगा सकते हैं, प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा। थैंक यू क्लास।